देखिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले दिन 1 रुपया दूंगा, दूसरे दिन 2 रुपया दूंगा, तीसरे दिन 3 रुपये, चौथे दिन 4 रुपये, ऐसे करते करते वे वह 10वें दिन 10 रुपया दे रहा है, तो हमें बताना 10 दिन के बाद कितना रुपया हो जाएगा, है ना। तो एक तो तरीका ये, आप सबको जोड़ो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 ऐसे जोड़ो। और दूसरा तरीका क्या है, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या में प्लस कर दो लास्ट वाली, यानी कि आखिरी संख्या, पहली संख्या में क्या प्लस कर दो, आखिरी संख्या प्लस कर दो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर। फिर इसके बाद गुणा कर देना है कुल संख्या से, गुणा किससे करना है, कुल संख्या से। लेकिन यहां पर एक कंडीशन याद रखना है, है ना, एक को आधा करना है, चाहे पहली और आखिरी संख्या को आधा करो, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना, या कुल संख्या को, तो इसको सीधा कर देते हैं अपान 2, इसे समझ जाओगे। एक को आधा करना है, जो आधा करना इजी रहेगा। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ऐसे जो है वो 21 दिन के बाद पूछ रहा कितना रुपया हो जाएगा, ऐसे करते करते 21 दिन के बाद कितना रुपया हो जाएगा, है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो पहली संख्या कौन है, इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहली संख्या कौन है, एक है, आखिरी संख्या कौन है, दस है, और कुल संख्या कितनी है, 10 ही तो है, तो कुल संख्या है 10। अब बताओ एक को आधा करना है, किसको आधा करना इजी रहेगा, 10 को ना, तो अगर तो 10 के नीचे अपान 2 लगा दो, ये समझ रहे हो ना, अपान 2 का पूरे का मतलब, ठीक है। अब क्या कर दो, 10 एक 11 और 10 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, तो 11 बचे 55 आया, कौन कह रहा था 110 आएगा, 55 आंसर आया कि नहीं, एकदम सही रहेगा, अभी चेक भी करेंगे। यहाँ पर देखो, पहली संख्या कौन है, एक है, आखिरी संख्या कौन है, 21 है, और गुणा क्या करना है, कुल संख्या, कुल संख्या क्या है, 21 है ना, 21। अब बताओ किसको आधा करना ज्यादा सही है, 21 और 22 होगा ना, 22 को आधा करना सही है या 21 को, 22 को, तो मतलब 22/2 और गुणे 21, 22 को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 गुणे 21, 11 2 21 231, कितना आया यहाँ पर, 231 आया, बताओ समझ में आया, कर सकते हो। बस याद रहे एक संख्या को आधा करना है, अब ये समझ गए ना, ये अपान 2 का मतलब समझ गए, जो तुम्हें, अब देखो अगर 21 को आधा कर देंगे तो 10 मालूम आएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छा ये चीज तुम मन में भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन बताओ, स्पीड में बहुत आसान पूछ रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को बनाना है क्वेश्चन, चलो जल्दी, 1, 2, 3 ऐसे करके आपको बताना 13 दिन के बाद कुल कितना रुपया हो जाएगा, और एक ये बताना है कि ऐसे करके जो है 18 दिन के बाद कितना रुपया हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, लाइव चल रहा है, इसमें 153 आया, चलो एक आंसर ही आया, इसमें क्या आया, नीचे वाले में, अच्छा नीचे वाले में 153, नीचे वाले में 153, ऊपर वाले में 91, सबका आया है, चेक किया जाए। तो देखो इसे तो मन में ही चेक कर सकते हो ना, छोटी संख्या तो लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई, इतना तो टेबल ओबल तो पता ही है ना। तो बताओ 13 1, इधर देखो 13 1 14 और लास्ट संख्या 13 है जी, तो 14 का आधा करना सही है ना जी, 14 का आधा 7 गुणे 13, 13 सत्य 91, 13 सत्य 91, बिल्कुल सही है यहाँ पर, समझे सबका आया है। यहाँ पर देखो 18 1 19 का आधा करना दिक्कत होगा जी, तो हम 18 से आधा करेंगे, 18 का आधा 9 19 9 153, समझे कैसे, देखो फिर से समझो, अरे 19 9 171 होगा यार, ठीक है। देखो यहाँ पर पहली संख्या, देखो पहली संख्या एक है, आखिरी संख्या क्या है 13 है, आखिरी संख्या क्या है 13, तो 1 13 या 13 1 14 डायरेक्ट कर दे,
बोलो भैया। चलो ठीक है, 14 गुड़े कुल संख्या कितना? 13। किसको आधा करें, 13 को कि 14 को? 14। 14 को आधा करेंगे क्या हो जाएगा? 7। तो 14 को आधा कर दिया गया 7 है, 7 गुड़े 13 सत्ते 91 आया। इतना यहाँ पर पहला संख्या कौन है बोलो? 1 है। और आखिरी संख्या कौन है? 18। 19 गुड़े कुल संख्या कितना? 18 है। 18 का आधा करें 9। 9 आएगा तो 19 गुड़े 9, 19 नौइया 171। समझ में आया जी? क्लियर है जी? अच्छे से इसे उतार लो, पहले उतारिए इसे। अच्छा इसे चेक करते हैं, ये छोटा चेक कर लिया जाए। जैसे देखो 1+2 हो गया 3, 3 और 3 6। इधर देखो 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 28, 28 8 36, है ना? और 36 और 9 45 और 10 55 आया है कि नहीं? कहाँ गया ये 55 आया? बिल्कुल सही रहेगा, इसे लिखिए, इसे लिखिए फटाफट। चलिए भाई, लगे हाथ buy 1 get 1, क्लियर है? buy 1 get 1। अब एकदम तूफानी तरीका है, जैसे मान लो कह दूं 5 2 5, क्लियर है जी? 5 2 5 गुणा करो 5 से, तो पता है आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 6 4 5, सॉरी 2 6 2 5 आंसर आएगा। चेक कर लो बिना गुणा किए हुए बताइए। देखो 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 5 25 1 26। चलो तुम करो, नहीं मजाक करो, अब बड़ा लिखते हैं, है ना? 6 7 8 5 6 7 5 8 3 2 1 गुड़े, या यहाँ 2 कर देते हैं, या यहाँ 4 कर देते हैं, गुड़े 5। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3 3 7 9 1 6 2। चेक कर लो, चेक कर लो भैया, यही आएगा। 5 2 20 के 0, 5 2 10 2 12, 5 3 15 1 16, 5 8 40 1 41, 5 5 25, है ना? 4 29, 5 7 35, 2 37, 5 6 33, 3 33। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? अब आंसर में कुछ करना नहीं है, अगर 5 से किसी भी नंबर में 5 से गुणा करना रहे ना, तो उस नंबर को आधा कर देना बस, है ना? आधा कर देना, और आधा करने के बाद अगर आखिरी वाला संख्या सम संख्या रहे, इवन रहे, तब 0 लगा देना लास्ट में, है ना? अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तब क्या लगाना? 5 लगाना, खत्म। जैसे देखो हम आधा किए, यही किए थे, 2 3 6 2 3 6 1 5, अब 2 से 2 डायरेक्ट डिवाइड कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो मत पढ़ो इसे, है ना? 2 3 6 2 3 6 1 5, मतलब 2 7 14, 1 8 2 9 18, 3 2 1 2, और यहाँ 1 2 2 6 12, 2 2 9 4, लास्ट में कौन है? सम संख्या, इसलिए 0 प्लस कर दो, विषम रहे तो 5 कर देना। चलो एक बताओ जल्दी से, 6 7 2 3 1 8 और 3, इसका आंसर क्या आएगा? गुड़े 5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चलो बताओ जल्दी से, हाँ बताओ, 3 3 3 6 15 15 9 9, गलत हो गया, इसको भी आधा करो 1, और अब लास्ट में क्या है? गुणा नहीं है, लास्ट में विषम संख्या है, लास्ट में क्या है? विषम संख्या, तो विषम संख्या रहे तो 5 अपने तरफ से ऐड कर, सम संख्या रहे तो 0 अपने तरफ से ऐड कर। क्लियर है? समझ में आया? बताओ, बढ़िया तरीका है, चलो छापो। छापा तो बेजार हूँ फिर भी।